नमस्कार, एबीपी न्यूज के बजट सम्मेलन 2018 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अब तो है बीजेपी सरकार, फिर क्यों है महंगाई की मार। कल जब से बजट आया है, हर आम आदमी के मन में यही है सवाल। और आज सुबह से इस बजट की दिशा और दशा को लेकर एबीपी न्यूज की ये चर्चा लगातार जारी है। इसी कड़ी में अगले बेहद खास मेहमान को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत है भारत सरकार में वित्त सचिव डॉक्टर हसमुख अढ़िया का, और उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी शिशिर सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अढ़िया सर। बहुत सारे सवाल हैं कल से जो आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, आयकर की दर क्यों नहीं बदली। ऐसा है कि सरकार ने पिछले 3 साल में जितनी कंसेशन आयकर में दी है अलग अलग वर्ग के लोगों को, वो बहुत ही ज्यादा थी। सबसे पहले साल में 2014 में 2 लाख की लिमिट डायलॉग किया, एग्जम्पशन लिमिट। एटीसी में 50,000 का छूट दिया था, उस साल में 50,000 और दिया था, 1 लाख के बदले में 1.5 लाख का किया था। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का सेट ऑफ 50,000 का और दिया था। सो तीन कंसेशन तो सबसे पहले वाले साल में ही दे दिए थे आयकर में। दूसरा जो कंसेशन दिया, जो बड़ा कंसेशन, वो पिछले साल था, जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक की जिनकी आमदनी है उनको 10% के बदले में सिर्फ 5% टैक्स का स्लैब किया। सो ये तो एक बहुत ही बड़ा वर्चुअली ये हो गया कि अगर आप 1-1.5 लाख रुपया सेव करते हैं तो 6 लाख तक, 6.5 लाख तक आपको सिर्फ 5% टैक्स में ही देना है। 50,000 की इनकम महीने वाले तक के लोगों को सिर्फ 5% इनकम टैक्स देना है। सो मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट था 5% वाला। और क्योंकि सबसे पहले वाला स्लेब में 5% कर दिया, तो सब्सिक्वेंट स्लेब वाले सबको फायदा हुआ था। पिछली बार आपको याद होगा करीब 17,000 करोड़ का ये बेनिफिट था जो पिछले साल हमने रियायत दिया था। देश के सामने सवाल ये है कि या तो हम इनकम टैक्स भरने वालों की टैक्स की दरें कम करते जाए या एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाते जाए, या फिर जो रेवेन्यू आता है उसका उपयोग हम करें देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या ग्रामीण विस्तार में इसका खर्चा करने के लिए, जिससे डिमांड क्रिएट हो, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़े। ओके सर, एक जो सैलरी क्लास है वो कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। आपने एक तरफ तो कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 40,000 रुपये की देंगे, लेकिन दूसरी ओर जो मेडिकल अलाउंसेस थे, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस थे, वो आपने सब्स्यूम कर दिए, यानी कि इसको मिला दिया। दूसरी ओर आपने जो सेस था, एजुकेशन सेस, उसके ऊपर आपने हेल्थ वर्ड जोड़ करके उसको 3-4% कर दिया। तो सीधे सीधे कहें कि उसके पास तो कुछ आया नहीं, बल्कि जो आया वो भी चला गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊं कि 2.5 करोड़ सैलरीड क्लास पीपल है, लोग हैं, जिसमें से पेंशनर भी आ जाते हैं। अब पेंशनर को तो न कोई कन्वेंस अलाउंस मिलता है, न कोई मेडिकल अलाउंस मिलता है, तो पेंशनर के लिए तो सीधा सीधा 40,000 रुपीज का फायदा है, उतना कंसेशन है। जो बाकी वर्ग है उसमें कुछ ऐसा वर्ग है जिनको कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन जो छोटे दर्जे के एम्प्लॉई होते हैं कंपनियों में, उनको न तो कन्वेंस मिलता है न मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो ये छोटे वर्ग के लोगों को ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उनको तो मिल ही नहीं रहा था, तो उनका टैक्स का बेनिफिट कहाँ से ले पाते थे। सिर्फ एक ऐसा वर्ग है जो बड़े कंपनियों में काम करते हैं एम्प्लॉयज, जिनको ये दोनों परक्विजाइट देने कंपनी दे रही थी, उनको फायदा कम होगा। लेकिन ये नहीं है कि लेने के देने पड़ गए, क्योंकि हमने जो 1% सेस बढ़ाया है वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर नहीं है, वो टोटल टैक्स पेएबल के ऊपर है। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी अगर से 20,000 रुपया है पूरे साल की, तो 20,000 के ऊपर 1% 200 रुपया हुआ, सिर्फ उतना ही आपको टैक्स देना है, वो 1% बढ़ावा जो है वो। तो ये नहीं है कि ज़्यादा आपने ले लिया और दिया कुछ नहीं है। नो डाउट एक प्रिंसिपल प्रस्थापित करने की कोशिश की है कि ये सैलरी वाला वर्ग ये है कि जो सरकार को ज़्यादा
अच्छी तरह इनकम देते हैं, तो सरकार को आगामी वर्षों में जो भी बेनिफिट देना हो वो इस क्लास को देना होगा। ये एक प्रिंसिपल प्रस्तावित किया है, जब रेवेन्यू की गुंजाइश हो जाएगी तो मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में और विचार कर सकती है। एक यहाँ पे स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगा सर, कि जो 40,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन है और जो 15,000 का हमारा जो मेडिकल अलाउंस जो डिडक्शन होता था और 19,200 का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में डिडक्शन होता था, वो अब जारी नहीं रहेगा, क्या ये सही है कहना? दैट्स ट्रू, या इट इज इन लियू ऑफ दैट, 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इन लियू ऑफ दिस टू। ओके सर, दूसरा सवाल हमारा पेट्रोल और डीजल को लेकर के है। कल बड़ी खुशी हुई जब ये पता चला कि उस पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, और शाम आते आते अपने सारी खुशी पर पानी फेर दिया ये कहते हुए कि हमने सेस बढ़ा दिया है। ये जो अकाउंटिंग का फेरबदल किया गया है ये क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि अगर कंज्यूमर को इफेक्ट करने वाला कोई टैक्स चेंज होता तो हम लोग जरूर बजट स्पीच में इसका मेंशन करते हैं, हम लोग बजट स्पीच में इसको दाखिल कर देते हैं, लेकिन इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा एक छोटा सा चेंज है, चेंज ऐसा है कि जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे 2 रुपया कम करके रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए 2 रुपया लगाया है, मतलब कि यहाँ से वहाँ ले गए, उससे सिर्फ सरकार को फर्क पड़ेगा क्योंकि वो डिवॉल्वेबल से नॉन डिवॉल्वेबल में चला गया। और जो 2 रुपये की एक्साइज की आमदनी हमारी होती है वो स्टेट को देनी पड़ती है 42% उसमें से। ये क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेष काम के लिए हमने लगाया 2 रुपीज, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये कहें कि जो पैसा आएगा वो केंद्र सरकार अपनी जो जरूरत लिए नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे, जो उनकी योजनाएं हैं उसके लिए वो खर्च करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्टेट में ही है, भारत सरकार की कोई अपनी टेरिटरी नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेट के लिए ही बनेगा। ओके, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ना, तो इसलिए हम ऐसा नहीं है कि भाई भारत सरकार खुद रख रहा है और उसका उपयोग हम सैलरी देने के लिए दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई की, ये पैसा स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होगा। सर, एक अलग किटी का व्यवस्था किया है उसके लिए। सर, एक जो पेट्रोल डीजल की ही बात है, लोगों को हमेशा लगता है कि ये 34 रुपये का पेट्रोल होता है और 34 रुपये 58 पैसा उस पर टैक्स लग जाता है, उसमें क्यों नहीं कमी की जा सकती है? देखिए, ये एक पब्लिक पॉलिसी का एक बड़ा विषय है कि पेट्रोल के ऊपर कितना टैक्स का बर्डन होना चाहिए। दुनिया के हर कंट्री में पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्सेशन है वो उतना ही है, काफ़ी अधिक होता है। उसके पीछे एक पब्लिक पॉलिसी का एंगल ये भी होता है कि भाई हम पोल्यूशन को कम करने के लिए लोगों को डिस्करेज भी करें कि ज़्यादा गाड़ियाँ और वो नहीं घुमाएं, ये भी एक पर्पज़ होता है। और दूसरा कि ये जो प्राइस है ना वो स्टेबल रहे वो जरूरी है, ज़्यादा बढ़ना ज़्यादा घटना भी नहीं चाहिए पेट्रोल डीजल का दाम। सो एक पब्लिक पॉलिसी का विषय है, सरकार इसके बारे में चिंतित होती है हमेशा। आपको पता होगा कि बिना बजट के भी कुछ 4 महीने पहले या 6 महीने पहले, आई थिंक 4 महीने पहले, अक्टूबर 2017 में बिना बजट के भी हमने 2 रुपया डीजल 2 रुपया पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम किया था। वो इसका रेवेन्यू लॉस एक साल का 26,000 करोड़ का था। सर, एक साल का। सर, क्या जीएसटी कोई सोल्यूशन है इसका? किसके लिए? अगर पेट्रोल डीजल पे लोगों को राहत मिले, क्या जीएसटी कोई समाधान है? देखिए, ऐसा है कि जीएसटी समाधान नहीं इसलिए है कंज्यूमर के लिए कि अल्टीमेटली सरकार का रेवेन्यू तो बनाए रखना है ना हमको, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। कंज्यूमर को तभी फायदा होगा जब सरकार, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको घटाना चाहती है तब। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आ जाएगा तो 28% रेट पे ही सबको पेट्रोल डीजल का टैक्स लगेगा, वो तो संभव नहीं है हर कंट्री में। ये तो बड़ी बुरी खबर हो गई कि लोग कहते हैं कि जीएसटी में आने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, आप कहते हैं कि सस्ता नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या है कि वो जो भी सस्ता होगा वो रेवेन्यू लॉस के सेक्रीफाइस के साथ ही होगा। तो राज्य और केंद्र सरकार को जीएसटी की इनकम कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है उसको देखना पड़ेगा। स्टेबिलाइज हो जाए एक बार जीएसटी की इनकम, फिर इसके बारे में कॉल लें तो अच्छा है। कितना समय लग सकता है स्टेबलाइज होने में? अब अगले साल का रेवेन्यू अच्छा होगा ऐसी हमारी उम्मीद है। वी होप कि अप्रैल 2019 तक वी शुड बी एबल टू नो द ट्रेंड, या मार्च 2019 तक। उसके बाद जीएसटी में लाने पर विचार किया जा सकता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो डिसीजन है जो काउंसिल को लेना है। मैं विचार करने की बात कर रहा हूँ सर। विचार तो कल भी हो सकता है, और ऑलरेडी
कहीं ना कहीं किसी ने मेंशन किया है कि हम लोग करेंगे इसको डिस्कस काउंसिल की कोई मीटिंग में, बट ये शुरुआत करेंगे डिस्कशन की, इसके सब पहलू को देखना पड़ेगा और फिर उसके बारे में डिसीजन ले सकते। सर बजट में एक और मुद्दा जिसने आम आदमी को भी और शेयर बाजार को काफी निराश किया वो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वापसी। क्या जरूरत थी इसकी सर? अब जरूरत तो ये है कि भाई आप बताइए कि अगर आप सैलरी से कोई इनकम मान लो 2 लाख रुपए की कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए की, आपके ऊपर टैक्स लगता है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपके पास कुछ पैसा पड़ा है जो आप स्टॉक मार्केट में लगा दे और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, उसके ऊपर आप बिल्कुल जीरो टैक्स रखे, वो तो नाइंसाफी है ना जो मेहनत करने वालों के साथ। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर 3,67,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोगों ने कमाया है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टोकन तो टैक्स सरकार को मिलना चाहिए। लेकिन सर एक मुद्दा तो ये भी है कि हमारे पास जो निवेश है या जमा है उस पर जो आमदनी है वो लगातार कम होती जा रही है, और शेयर बाजार एक ऐसा इलाका है जहां वो मैं सीधे जाऊं शेयरों के जरिए या फिर म्यूचुअल फंड के रास्ते जाऊं, मेरे लिए एक फायदे का जरिया बना हुआ था। आप उस मेरे फायदे का रास्ता क्यों बंद करना चाहते हैं? बंद कहां कर रहे हैं हम? तो ये कहे कि 10% लगाने के बाद देना पड़ेगा तो मैं हतोत्साहित होऊंगा ना। 10% टैक्स देने के बाद भी इक्विटी मार्केट विल स्टिल रिमेन द चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर पीपल, क्योंकि अभी इक्विटी मार्केट का गेन देखिए ना आप पिछले 5 साल में, बिकॉज इंडिया इज अ बूमिंग मार्केट, यहां पर जो इक्विटी गेन्स है वो ज्यादा ही ज्यादा होते रहेंगे, सो इसलिए इसके बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर जो कितना पैसा मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 2018-19 की बात करूं, और उसका इस्तेमाल कहां होगा? देखिए क्योंकि हमने ग्रैंडफादरिंग किया है इसलिए हमारा एस्टिमेट है कि मॉडेस्ट करीब 20,000 करोड़ रुपया हमारा 18-19 में इनमें से आ सकता है, और आगे के वर्ष में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। एक सवाल दर्शक का है, इन पूनम नाम है, इन्होंने कुछ सवाल राजनीतिक है लेकिन मैं आपसे पूछने का एक लालच उठा रहा हूं मैं कि डू वी नीड टू सी इंडिया ऑन ग्लोबल मैप थ्रू पकौड़ा वाला एज एन एंटरप्रेन्योर्स? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन सच। सर एक और मामला ये कहा गया कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का एक अच्छा मौका था, ये सवाल है, एक सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट है मनीष, उन्होंने पूछा है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का एक अच्छा मौका था और साथ ही जब हमारा एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया गया तो उसके बदले सेस क्यों लगाया गया? वैसे आपने इस सवाल का जवाब दिया है तो क्या ये मौका था जीएसटी में लाने के लिए? नहीं, बजट के साथ जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है ना, बजट वो जीएसटी काउंसिल में पहले डिसीजन होना है कि पेट्रोल डीजल को लाना है नहीं लाना है, इसमें वो जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के बाद बजट में फेरफार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम। ओके सर मैं वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे आता हूँ। एक धारणा ये बनती है कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जा रहा हो तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगना चाहिए, एक साथ दो टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, क्या इस दिशा में सरकार कुछ सोच रही है? देखो आप अगर पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा रहे हैं नॉर्मल रेट पे और पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर नॉर्मल रेट पे लगाते हैं तो एसटीटी नहीं देना चाहिए, वो बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी हम लोग सब्सिडाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेजिम में है इक्विटी का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेजिम भी इक्विटी के लिए बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल है 10%। आप बाकी कोई भी एसेट क्लास ले लीजिए, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर अगर आप बेच देंगे और आपको कोई मुनाफा हुआ कैपिटल गेन मिला तो आपको पूरा 30% या अपना जो भी रेट है आपका इनकम का उस रेट से आपको इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपने 2 साल के बाद बेचा अगर प्रॉपर्टी को तो आपको 20% लगता है, विच इज ए नॉर्मल रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर अनलिस्टेड इक्विटी। तो आइडियली हर एसेट के ऊपर सेम रेट लगना चाहिए कि 2 साल का पीरियड होना चाहिए, 2 साल तक आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिनो और उसके ऊपर आपका नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगे, और उसके बाद अगर आपको मिलता है तो 20% लगे, ये नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ इक्विटी मार्केट इट इज स्टिल सब्सिडाइज, इंस्टेड ऑफ 30% शॉर्ट टर्म के लिए आपको 15% देना पड़ता है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए 20% के बदले में आपको 10% देना पड़ता है, और होल्डिंग पीरियड सिर्फ 1 साल का है।
ओके सर, यहाँ पे एक और मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि कल जैसा बताया गया कि 31 जनवरी 2018 तक जो कुछ भी हमारा गेन हुआ है उस पर हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। एक एक उदाहरण के तौर पे आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि मैंने 1 जून 2017 को कुछ शेयर खरीदे, 1 जुलाई 2018 को उसे मैं बेचना चाहता हूं, वहां पर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन 1 फरवरी 2018 से 30 जून 2018 के बीच हुए मुनाफे पर लगेगा या फिर उसके पहले का, उसका किस तरीके से आप बता सकते हैं? कब आपने खरीदा? मैंने 1 जून को खरीदा 2017 में, और उसको बेचना है 2018 पहली जुलाई को, तो मेरे लिए वो चूंकि लॉन्ग टर्म में चला जाता है तो क्या मेरे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन 1 फरवरी 2018 से 30 जून 2018 के बीच हुए मुनाफे पर लगेगा या उसकी तारीख कुछ और होगी? आपको जो 1 जुलाई जब आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद 31 जनवरी तक जितना भी गेन हुआ, बिकॉज आपने मान लो 100 रुपये में शेयर खरीदा था, 31 जनवरी को वो लिस्टेड था 120 रुपये में, तो 20 रुपये का गेन जो आपको हुआ या 8 महीने में या जो भी, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है। और जब आप जुलाई में बेचेंगे तो उसके बाद वाले पीरियड में जो गेन हुआ आपको, मान लो 120 का 130 हो गया नेक्स्ट जुलाई तक, तो 10 रुपये के ऊपर आपको 10% टैक्स देना है। ओके, तो 20 रुपये हमारा जो है वो ग्रैंडफादरिंग जिसको हम लोग कहते हैं। सर, एक मुद्दा जो आज अचानक सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है कि क्या हम लोग फेसबुक और गूगल पर भी टैक्स लगाने की तैयारी है? कोई ऐसा प्रोविजन भी है जो इस तरीके के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके लिए टैक्सेशन का कोई नया प्रोविजन आप लाने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो है ना वो उसके लिए अभी एनेबलिंग प्रोविजन है फाइनेंस बिल में, लेकिन वो इट विल डिपेंड ऑन द ट्रीटी, जो हर कंट्री की ट्रीटी होती है हमारी, वो ट्रीटी के पहले, सबसे पहले ट्रीटी को अमेंड करना पड़ेगा और फिर उस दिशा में जाना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजन है, इमीडिएटली देर इज नथिंग। ओके, एक अमेंडमेंट जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में करने का प्रपोजल किया गया, इसका मकसद क्या है सर? देखिए, ये कुछ टेक्निकल प्रकार के अमेंडमेंट है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट वो है कि PML में जब कोई केस लगता है और उसका जो भी बैंक अकाउंट में बैलेंस है उसको हम सीज करते हैं, उसको हम टेम्परली सीज करते हैं, और सीज करने के बाद वो अमाउंट को हम किसी को दे नहीं सकते जब तक वो पूरा केस फाइनल नहीं हो जाए और उस आदमी का कन्विक्शन नहीं हो जाए कोर्ट से। जब कन्विक्शन हो जाता है उसके बाद वो अमाउंट को हम सरकार में ले सकते हैं पूरा PMLA में। अब ऐसे केस होते हैं कि जहां पर डिपॉजिटर के पैसे, फॉर एग्जांपल जैसे NACL में हुआ है कि डिपॉजिटर के पैसे उसमें फंसे हुए और वो पैसा हमने सीज तो कर लिया, लेकिन जब तक कन्विक्शन नहीं होगा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जिसको वो बिलोंग करता है। ओके, तो एक हमने चेंज ये किया है कि जब ट्रायल चल रही है केस की तब भी द स्पेशल कोर्ट, जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट विच इज हैंडलिंग द PMLA केस, कैन परमिट कि आप इसको उसके राइटफुल ओनर को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये फायदा कारक है लोगों के लिए, तो उसके लिए एक चेंज किया है, बाकी एक दो चेंजेस है वो टेक्निकल प्रकार के हैं। ओके सर, एक प्रस्ताव जो बजट में रखा गया वो था गोल्ड पॉलिसी को लेकर के, कि गोल्ड पॉलिसी जो है वो नए सिरे से बनाई जाएगी। एक सवाल हमारे यहाँ पे मौजूद हैं दर्शक, उन्होंने भेजा है कि सोने चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी है उसमें कमी नहीं की गई, काफी समय से इसकी मांग चल रही है क्योंकि सोने चांदी की जो कीमत है वो बढ़ रही है, उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो अगर ड्यूटी कम कर देते तो शायद स्मगलिंग पर भी रोक लगता और लोगों को भी फायदा होता। देखिए, स्मगलिंग पर तो रोक लगनी ही चाहिए, उसके लिए हमारा DRI और पूरा तंत्र कस्टम डिपार्टमेंट का काफी कोशिश कर रहा है और काफी लोगों को जो रिस्क लेके ऐसा सोने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक क्रू मेंबर ही ला रहे थे सोना तो उसको पकड़ा गया है काफी लोगों को, वो तो हमें कोशिश करना चाहिए, वो सरकार का काम है कि कहीं भी इवेजन हो रहा है तो रोकना चाहिए। ये नहीं है कि भाई क्योंकि इवेजन हो रहा है तो टैक्स रेट भी घटा दो, ये कोई उसका उपाय नहीं है। जबकि सरकार की आमदनी अभी थोड़ी अनसर्टेन है GST को लेके, इसलिए अभी कोई कस्टम ड्यूटी में जो हमारा इनकम हो रहा है उसमें रिडक्शन करना संभव नहीं था अभी। सर, गोल्ड पॉलिसी जो होगी उसका स्वरूप किस तरीके का होगा, अगर थोड़ी सी जानकारी आप दे सकते? अभी इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और विचार करेगी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ परामर्श करेगी, उनके लिए गोल्ड का फॉर्मल एक्सचेंजेस बनेंगे देश में, ऐसी एक बात आ रही है,
फिर उसका अलग एक रेगुलेटर रखे कि क्या करे, उसकी भी बात आ रही है, तो उसके लिए अभी रोड मैप बनना बाकी है, अभी तो ये सरकार का इंटेंशन है। ओके सर, जो गोल्ड एक्सचेंज का प्रपोजल है, गोल्ड एक्सचेंज की जो का जो प्रस्ताव है, आम आदमी के लिए उसमें क्या रखा है सर? मुझे इसकी कोई पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि ये विषय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है, सो दे हैव थॉट अबाउट इट, यू नो। ओके ओके सर, एक सवाल रमन अग्रवाल जी का है, इनका ये कहना है कि आपने 99% कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में रिडक्शन कर दिया, लेकिन पूरे ओवरऑल के लिए आपने 25% क्यों नहीं किया, वो भी तब जब आपने कुछ समय पहले कहा था कि हम कैलिब्रेटेड वे में इसको हम 25% पर लाएंगे, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स है जो वो 24-24.5% के लगभग बनता है। वही दो रीज़न है कि जिससे हमें ये नहीं कर पाए। एक तो ये है कि जो 30% तो हमारा नॉर्मल रेट है, कार्ड रेट है, लेकिन सब कंपनियों का एवरेज रेट देखेंगे आप तो वो आ रहा है करीब 26.5% एवरेज रेट। छोटी कंपनियों का जिनका टर्नओवर से 250 करोड़ से नीचे है, उनका एवरेज इफेक्टिव रेट आ रहा है 27-28%, और जो 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाली कंपनी है उनका इफेक्टिव टैक्स आ रहा है 24% ओनली। तो सवाल ये है कि ऑलरेडी अगर वो 24% पे चुका रहे हैं इफेक्टिवली, तो फिर उसको क्या घटाने की ज़रूरत है? घटाने में भी हमें दिक्कत नहीं है अगर स्कोप हो तो हमारे पास। अगर 100% कंपनियों का कर देते 25% तो 60,000 करोड़ का नुकसान था सरकार का, और सिर्फ 250 करोड़ तक की कंपनियों का किया है तो उसमें 7,000 करोड़ का नुकसान है, और उसमें 99% कंपनी कवर हो जाती है। सिर्फ 7,000 कंपनियां बचेगी जिनका टैक्स रेट इफेक्ट मतलब 30% पे रहेगा, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए उनका इफेक्टिव रेट तो 24% ही है। सर एक सवाल जो आखिरी सवाल है वो ये है कि ईपीएफओ के प्रोविजंस को लेकर के है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन 12% के बजाय 8% होगा, और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या महिलाएं जो है, अभी जैसे हम लोग 12-12-24 हो जाता है, महिलाएं तो वहाँ पे घाटे में हो गई क्योंकि उनका 20% ही इफेक्टिवली इन्वेस्टमेंट में जा पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत मत समझिए। देखिए आज क्या है कि जो महिला या कोई भी हो पुरुष एम्प्लॉई, जब उसको सैलरी 15,000 तक वाले को ही ईपीएफ है कंपलसरी, अब वो 15,000 वाले का 12,000 रुपया तो उसका सैलरी है, उसमें से 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और 12% खुद का कंट्रीब्यूशन है, तो जो छोटे एम्प्लॉई का टेक होम सैलरी बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए महिलाओं के लिए हमने सुविधा दी है, उसका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं घटेगा, वो तो 12% ही रहेगा, उसको तो 12% के हिसाब से देना है ईपीएफ एक्ट के हिसाब से, लेकिन वो खुद का कंट्रीब्यूशन जो 12% कंपलसरी देना पड़ता है उसके बदले में 8% करेगा तो चलेगा, तो 4% एक्स्ट्रा इनकम वो घर ले जा सकती है। तो महिला टेक होम जो है वो बढ़ जाएगा, टेक होम बढ़ जाएगा, वो इरादा है इसके पीछे। डॉक्टर अधिया बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ पर बजट से जुड़ी तमाम चर्चाओं में भाग लेने के लिए, और जो सवाल थे उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बस एक मिनट में आपका और लेना चाहूंगी, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए मैं एबीपी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेरकर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर आप मंच पर आए और हमारे बेहद खास मेहमान को सम्मानित करें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।